Hi, this is Shivanjali. Welcome to MEL Management E-Learning. Today we are going to see the basic foundation of entrepreneurship. Okay, this session for the commerce and management student. And basically, I have taken this book from CBSE class 12 book. So, हम लोग basic आज सीखने वाले entrepreneurship का कि क्यों इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप समझना या स्टडी करना. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यंगर यूथ को एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, कैसे मोटिवेट करेंगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो हम लोग देखेंगे. क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, वो हम लोग देखेंगे. देन वॉट हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर मेकिंग द बिजनेस प्लान, कैसे उसको इनोवेशन आइडिया लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे रिस्क हैंडल करते हैं, ऑब्स्टिकल कैसे हैंडल करते हैं. सो वी विल लर्न ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर. ओके, एक बार कंटेंट देख लेते हैं. हमारा पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, सेकेंड इज एंटरप्राइज प्लानिंग, थर्ड इज एंटरप्राइज मार्केटिंग, ओके, देन फोर्थ इज एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फिफ्थ इज बिजनेस अर्थमेटिक एंड सिक्स इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन. तो ये सिक्स यूनिट, टोटल सिक्स यूनिट है. फर्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, देन प्लानिंग, एंटरप्राइज प्लानिंग, एंटरप्राइज मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बिजनेस अर्थमेटिक एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ये बेसिक है आपका एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योरशिप का, तो वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है ई फॉर एंटरप्राइज, एन फॉर नोवेल्टी, टी फॉर ट्रेंड्स, आर फॉर रिस्क, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, पी फॉर प्रॉफिट, आर फॉर रिवॉर्ड, ई फॉर एम्पावरमेंट, एन फॉर न्यू, E for emerging, U for utilize, R for reward, S for struggle, H for harness, I for innovation and P for popular. So these are the terms closely associated with entrepreneurs. ठीक है, तो आपका जो entrepreneur है, entrepreneurship है, उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं, सारे सब कुछ आते हैं. रिस्क टेकर, ट्रेंड क्या है, नोवेल्टी क्या है, एंटरप्राइजिंग, एम्पावरमेंट, प्रॉफिट, रिवॉर्ड, न्यूज, इनोवेशन, इमर्जिंग, यूटिलाइजिंग, रिकॉर्ड क्या, रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्ट्रगल. तो ये सब हम लोग सारा देखेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट है, हमारा. अच्छा, ये मैं पोएम, एक मोटिवेशनल पोएम है, एंटरप्रेन्योरशिप पोएम, तो वो आप देख लेना बाद में. मैं स्लो में स्क्रॉल कर लेती हूँ इसको. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्या होता है. एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स पर्सन, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स प्रोसेस, एंड एंटरप्राइज दैट इज द आउटकम, कंपनी. ठीक है, हियर पीटर डकर इस कोटेशन दिया है, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएटेड इट. ओके, सो दिस द कोटेशन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर गिवन बाय द पीटर डकर. सो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट यूनिट का, जहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप होता है टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर दिस यूनिट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसेसिंग द अपॉर्चुनिटी, ओके, understand the concept of environmental scanning, unless the various factor affecting the business environment, understand the meaning of idea field, unless the various sorts of idea fields, understand the techniques of transforming the idea into the opportunity, understand what trend is spotting,
एंड इवेलुएट ऑन द इफेक्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस. ठीक है, तो दिस इज दी आवर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. इसमें क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं. इस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना होगा, कॉन्सेप्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना होगा. ठीक है, क्या फैक्टर इन्वॉल्व है उसको देखना होगा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना होगा. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दैट मीन्स स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. आप इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो, पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो. तो स्वॉट एनालिसिस होता है जिसके थ्रू हम इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं और स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी थ्रेट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, यस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. एंड पेस्टल में आप पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, सारे फैक्टर को जो एक्सटर्नली है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सब एनालाइज करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फील्ड आइडिया क्या है, मार्केटिंग को एनालाइज करेंगे. मार्केटिंग क्या है, क्या टेक्निक है जिससे हम आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में. ठीक है, जैसे सपोज आई हैव सम आइडिया रिलेटेड टू एजुकेशन, तो मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगी, क्या टेक्निक यूज करूँगी. जैसे अभी ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत ट्रेंडी हो गया है, बहुत ट्रेंड में आ गया है. तो ये जो है कि आप कहीं से भी पढ़ा सकते हो, कहीं से भी अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो. तो दैट इज़ दी टेक्निक, आई एम यूजिंग दी यूट्यूब टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म माई आइडिया इंटू अपॉर्चुनिटी. सो इसी तरह से कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे. क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर वो समझना है, क्या ट्रेंड अभी क्या चल रहा है वो समझना है, एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस फॉर दी फर्स्ट फेज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड बिजनेस आइडिया सेटअप. ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे यूनिट में हम यही देखेंगे कि क्या, कैसे हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, कैसे हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कैसे हम राइट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया को क्रिएट करेंगे. तो दिस इज दी आवर फर्स्ट यूनिट फॉर एंटरप्रेन्योर. और एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो पर्सन जो बिजनेस सेटअप करता है, कुछ नया लेके आता है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं. वो सब स्टार्टिंग यहीं से करता है. अगर उसको कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, फर्स्ट वो अपॉर्चुनिटी से एनालिसिस करेगा कि उस क्या अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, वहाँ से वो स्टार्ट करता है. तो ये बहुत ही बेसिक है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डकर डिफाइन द एंटरप्रेन्योर, define the entrepreneur as one who always search for an opportunity. So basic characteristic of entrepreneur, अगर आपको entrepreneur बनना है, कुछ अपना खुद का सेटअप करना है, तो आप opportunity सर्च करने में लग जाओ. ठीक है, कि आप क्या, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है. सो पीटर डकर हैज डिफाइंड दी एंटरप्रेन्योर. यस, हम लोग पूरे सेशन को ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है. ठीक है, हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो आप जो भी मेरे साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप ऐसे पढ़ो जैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेस सेटअप करना है, चाहे वो आपके इंटरेस्ट का हो, आपके हॉबीज का, उसको एक माइंड सेटअप करके हम लोग इस सब्जेक्ट को वैसे पढ़ेंगे. क्योंकि इस सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस ही है टू डेवलप द एंटरप्रेन्योर स्किल इनसाइड. ओके, आपके इनसाइड में मतलब स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करना है, क्योंकि आपको आगे जाके बिजनेस हैंडल करना है या बिजनेस मॉडल बनाना है. तो आप खुद को अभी से एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना स्टार्ट करो. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं. पीटर एफ डकर ने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योर इज वन, एंटरप्रेन्योर इज पर्सन. हियर एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, द पर्सन हु सेट द बिजनेस. ओके, सो एंटरप्रेन्योर एज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ऑलवेज सर्च करता है अपॉर्चुनिटी को. ठीक है, द बेसिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट एंड इनिशिएटिंग द स्टेप टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी.
ठीक है, जो हमारा पीटर डकर है वो बोलता है कि एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु ऑलवेज सर्च द अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फाइंड आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इनिशिएट द स्टेप टू प्रोड्यूस द गुड एंड सेल, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करके उस पर काम करता है एंड प्रोड्यूस नेक्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस द गुड एंड सेल गुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस टू द मार्केट टू द कस्टमर फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रोसेस होता है. थ्रू एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो पर्सन है जो बिजनेस सेटअप किया है, वो बाय दिस प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के थ्रू वो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है जिसका आउटकम, इसको आउटकम भी कहते हैं. आउटकम आपका इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट भी आ सकता है, सर्विस भी आ सकता है, आइडिया भी आ सकता है, कंसल्टेंसी दैट इज द आइडिया. सो आउटकम आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेंटर, आइडिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एनीथिंग. ओके, सो व्हाट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे डिफाइन करोगे? पीटर डकर ने तो वो दिया कि एंटरप्रेन्योर जो है वो सबसे पहले क्या करता है, ऑलवेज वो उसमें रहता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, किस में वो आगे ग्रोथ कर सकता है, उसके इंटरेस्ट का क्या है जिसमें वो अच्छा कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसको देखते हैं. इसमें एंटरप्रेन्योर कैसे बिजनेस को परस्यू करेगा या इस बिजनेस को वो सक्सेसफुल सोचेगा कि अगर हम इस बिजनेस में जाएंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, तो इसको मेजर करना है या एनालाइज करना है. तो व्हाट इज रिटन हियर, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. यस, देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस विच एवरी वन माइट नॉट बी एबल टू स्पॉट, जो सब कोई नहीं देख सकता है. बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो सब कोई स्पॉट नहीं कर सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है, बट कौन कर सकता है? एंटरप्रेन्योर, जिसका बिजनेस माइंड होता है. द एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू स्पॉट इट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज एन इकोनॉमिक आइडिया. ऐसा आइडिया या अपॉर्चुनिटी जो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, जिससे आपको अर्निंग हो, ठीक है, which can be implemented to create a business enterprise. Okay, so business opportunity described as a economic idea which provide you benefit and which can be implemented, jisko hum action mein la sakte hain, kya la sakte hain, to create a business enterprise. Theek hai, business enterprise that means company, and earn the profit. सो बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको सेलेक्ट करने से पहले, व्हाट एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर टू थिंग्स. एंटरप्रेन्योर दो चीज पे फोकस करता है, इंश्योर होता है कि हमारा क्या है वो दो चीज. पहला वो कि मार्केट कैसा है, जिस भी प्रोडक्ट को वो लॉन्च करने वाला है या जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट वो मार्केट में लाने वाला है, उसका डिमांड क्या है, कस्टमर को उससे क्या हेल्प मिलेगा. ठीक है, तो वो फर्स्ट वो एनालाइज करता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेके आएंगे तो ये तो बहुत डिमांडिंग है. एंड सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, अट्रैक्टिव है या नहीं. ठीक है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, प्रोड्यूस करने में, मार्केट में लाने के लिए, उस पर रेट ऑफ रिटर्न कैसा है. ठीक है, तो अगर अट्रैक्टिव है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अच्छा मार्केट है, मार्केट में इसका डिमांड है, इस प्रोडक्ट का ग्रोथ करेगा, तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और इसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, इम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि उसको एक्शन में लाएगा, उस पर काम करना स्टार्ट करेगा. तो हम क्या देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो इकोनॉमिक आइडिया जो भी है एंटरप्रेन्योर का, वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, और वो डिमांडिंग है या नहीं है. तो दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस और फॉर स्टार्टिंग द कंपनी, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं या जो भी बिजनेस करने वाले हैं उसका डिमांड कैसा है, मार्केट कैसा है उसका, और सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न कैसा आएगा. ठीक है,
Next, see in this diagram what is it represent the need and problem. जो मार्केट है हमारा उसमें कस्टमर का कुछ नीड है, कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योर को पता है, ठीक है. तो देन दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि ये प्रॉब्लम है, अगर हम ये प्रोडक्ट ला के देंगे कस्टमर को तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम हमेशा टू थिंग्स को फोकस करता है, जो हमारे दो आगे जो हमने पढ़ा था पहले, एक कि इसमें क्या मार्केट का क्या डिमांड है, ठीक है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट या सर्विस आप चाहिए या नहीं चाहिए, कितना डिमांडिंग है. सेकंड, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये दो चीज़ अगर फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जांपल, जो रतन टाटा है उन्होंने ये क्या किया था, और ये नैनो फोर व्हीलर को लॉन्च किया था ऑन द प्राइस ऑफ टू व्हीलर लो कॉस्ट में. क्यों? क्योंकि जो टू व्हीलर थे उन्होंने उनके उन्होंने एक पिक्चर देखा, मतलब एक उनके माइंड में वो आया कि बाइक पे फोर हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे जा रहे हैं, वो कार नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दी कॉस्ट, ठीक है, मनी की वजह से नहीं ले रहे हैं. तो विद इन दैट टू व्हीलर कॉस्ट उन्होंने एक फोर व्हीलर मैन्युफैक्चर करके दे दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया. दैट कार इज कॉल्ड नैनो. और वो उनका ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट था वो उनका पूरा सक्सेसफुल हो गया. सो हाउ दे गेट दिस आइडिया, ओनली ना बाय एनालाइजिंग दी अपॉर्चुनिटी. एंड देन अपॉर्चुनिटी में उन्हें रियलाइज हुआ कि ओ ये प्रॉब्लम है, ये नीड है, ये मैं इसका सॉल्यूशन कस्टमर को दूं. और वो कस्टमर को नैनो फॉर्म में उन्होंने सॉल्यूशन दिया एंड दैट बिकम द सक्सेसफुल. तो एंटरप्रेन्योर ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है. तो व्हाट फैक्टर इन्वॉल्व इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, क्या फैक्टर इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं. टू सेंस एंड द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी द एंटरप्राइज इम्प्लॉय हिज और हर शार्प स्किल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. आपका स्किल होना चाहिए एब्जॉर्ब करने की, एनालाइज करने की कि कस्टमर को चाहिए क्या. कस्टमर को भी नहीं पता होगा और वो एंटरप्रेन्योर को पता होगा कि ये इसका प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, ठीक है. टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया विच कुड बी रिच कमर्शियली, ठीक है. एबिलिटी टू हार्डनेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विजन एंड क्रिएटिविटी. इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन सीकर भी होता है, वो इन्फॉर्मेशन ग्राफ करता है, एनालाइज करता है. वो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया टाटा रतन का, वो कार नैनो कैसे आया क्योंकि वो एनालाइज किए मार्केट को, देखे कि जो लोअर इनकम के लोग हैं जिन जो कार नहीं ले सकते हैं, फोर व्हीलर नहीं ले सकते हैं, तो उनको ये कार कैसे, उनको कैसे ये नीड फुलफिल करे, उनका ये जो वो फोर एक बाइक पे हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे कैरी हो रहे हैं, उनको कैसे कार दिलवाएं ऑन द सेम प्राइस. तो उन्होंने वहाँ पे अपना जो भी है रिसर्च टीम है, उन्होंने कॉस्ट कटिंग का लगाया, टेक्नोलॉजी बेस्ड कहाँ पे कैसे कट वट करके उन्होंने वो टू व्हीलर के प्राइस पे नैनो को लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हो गया. तो बस आप ऐसे एग्जांपल याद करके आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कैसे ग्राफ हो रहा है, ठीक है. एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया में क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट है, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, ठीक है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इन्वेंशन क्या, उनको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, कंपटीशन में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया देना. सो ये थिंकिंग है एंटरप्रेन्योर, ऐसे आइडिया जनरेट करता है, मार्केट को एनालाइज करता है, देन प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये नीड है कस्टमर का, उसको कैसे इफेक्ट होगा, कि क्या क्या अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा है तो उसको क्या क्या फैक्टर से होके जाना पड़ेगा, क्या इन्वेंशन कर सकता है, क्या न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ला सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है और क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ अ वे टू क्रिएट और क्रिएट द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, ओके. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है,
फर्स्ट टू डू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट. इसमें क्या करते हैं, हियर केयरफुली मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग द अर्लियर साइन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ठीक है, यहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं टू फाइंड आउट द साइन, फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी ऑप्शन एंड एज वेल एज थ्रेट ऑप्शन ऑल्सो. ठीक है, वाई डू वी नीड टू स्कैन आवर इन्वायरमेंट, इट्स रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट. वन रूल ऑफ थंब अप्लाई, इफ यू डोंट अडॉप्ट एंड यू डोंट एंड्योर्स. ओके, जो हमारा डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होता है. हर एक सिक्स मंथ या वन ईयर पे वो चेंज होता है. कुछ ना कुछ रिसेंट कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या नीड चेंज हो जाता है. तो उसको एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो कैसे एनालाइज करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स रिफर टू मीन्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन गैदर द इंफॉर्मेशन on changing condition and incorporate those observation into the process where necessary changes are made. So right information and combined with the right adaptation and can determine an organization future viability. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम information collect करेंगे, क्या changes हो रहा है, trend को समझेंगे, फिर उसके according हम decision लेंगे. ठीक है, फिर देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर. इफ अ कंपनी इज एबल टू अडॉप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, इट वुड बी सक्सेस इन द लॉन्ग रन. फॉर एग्जांपल, सोनी इज फेलिंग टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग ट्रेंड इन मोबाइल फोन एंड देयरफॉर लूजिंग इट मार्केट शेयर. द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंट इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस आर. एक और एग्जांपल है, एक तो सोनी का एग्जांपल है. दे आर नॉट, मतलब उन्होंने अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं किया, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नहीं किया या बिजनेस इन्वायरमेंट को नहीं अच्छे से समझ पाया. दैट्स वाई उनका जो मोबाइल फ़ोन का ट्रेंड था वो उन्होंने मार्केट शेयर वहाँ पे लूज़ कर दिया, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर थे वो आगे बढ़ गए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोडेक कैमरा बहुत पहले सबके पास होता था, अराउंड 90s में कोडेक कैमरा चलता था. बट अभी डिजिटल कैमरा आ गया और ये कोडेक वो एनालाइज ही नहीं कर पाए कि हम कैमरा में कैसे ये चेंजेस आया, वो उनको पता ही नहीं चला. तो क्यों नहीं पता चला, क्यों अपॉर्चुनिटी वो ग्रैप नहीं कर पाए, क्योंकि वो अच्छे से जो बिजनेस इन्वायरमेंट था उसके एनालाइज करने में वो फेल हो गए. तो दैट्स वाई. तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्यों हमें क्या इम्पॉर्टेंस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का और कैसे करना है वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या आप जिस भी बिजनेस में हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैप कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर काम करने लगे, तो ऑब्वियसली आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप फ्यूचर में ग्रोथ करोगे. ठीक है, so by keep in touch with the changes in external environment, an enterprise that means company can identify the opportunity and find the strategy to capitalize on the opportunity at earliest. अगर आपकी कोई established company है, आप already एक company में काम कर रहे हो, उनके लिए भी required है कि वो opportunity को analyze करते रहें, क्योंकि कब क्या अपॉर्चुनिटी आ जाएगा नहीं पता है, या कब कस्टमर का, जो उनके कस्टमर हैं उनका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट शेयर मेंटेन करना है या ग्रोथ करना है या मार्केट में बने रहना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटी बाय हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी. ठीक है, तो हम लोग ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको पता चल रहा है. देन सेकेंड, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी. हम कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कंपनी में कोई भी पॉलिसी बनता है, तो वो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी आल्सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन कैसे हम बनाते हैं. पहले हम एनालाइज ही करते हैं अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को, पहले समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेड है, क्या हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है और क्या वीकनेस है. इस चीज़ को हम समझते हैं, देन वी गो फॉर द स्ट्रैटेजी और मेकिंग द प्लान. स्ट्रैटेजी दैट मीन्स मेकिंग द प्लान.
ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। ठीक है, थर्ड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू एनालाइज दी आवर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। सो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिसेंट ट्रेंड इन मार्केट, ओके, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी एंड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, फिर फोर्थ वन इज बेटर परफॉर्मेंस, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस है, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कॉप अप विद द रैपिड चेंज। यस, जो भी चेंजेस लाना है उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करके चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव थिंग्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। इमेज बिल्डिंग ब्रांड इमेज में हेल्प करता है, कंपनी के ब्रांड इमेज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट है विच वी आर गेटिंग बाय डूइंग दी बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस और बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है, ये SWOT एनालिसिस क्या है? सी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो SWOT एनालिसिस है दैट मीन्स S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात हो रही है, जो हमारा इंटरनल एनालिसिस है और सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ एनालिसिस करते हैं, जिसमें इंटरनल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ठीक है, आप इंटरनल एनालिसिस में क्या करोगे, आप रिसोर्स एनालिसिस करोगे कि आपके पास रिसोर्स कैसा है। ठीक है, रिसोर्स में आपका मैन पावर आएगा, मैन पावर कैसे हैं, एम्प्लॉय कैसे हैं, कितने स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देन आपका ये रिसोर्स आएगा जो रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, वो सोर्स कैसा है, सप्लायर कौन है आपके। ठीक है, लैंड मनी ये आपके रिसोर्स में आ जाएगा, पॉलिसी क्या है ये सारा इंटरनल में आएगा, पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सो दिस ऑल कम अंडर द इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, और बाय डूइंग द इंटरनल एनालिसिस हमें क्या पता चलता है, कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, हाँ, अगर मान लो आपके एम्प्लॉय सही नहीं है तो दैट इज़ दी बिग पॉइंट, आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है दैट इज़ दी अगेन वीकनेस। अगर आपके पास हाईली स्किल्ड लेबर है या लो कॉस्ट में लेबर काम कर रहे हैं दैट इज़ दी स्ट्रेंथ पॉइंट। सो फॉर एनालाइजिंग दी इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पता चलता है। देन व्हाट इज़ दी एक्सटर्नल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस दैट इज़ दी आउटसाइड ऑफ दी इंटरनल, जो बिजनेस है कंपनी के आउटसाइड जो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसमें आपका इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक फैक्टर आता है, सोशल फैक्टर आता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, लीगल फैक्टर आता है, तो दिस ऑल फैक्टर विच इफेक्ट दी आवर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, जिसके एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, अपॉर्चुनिटी पता चलता है कि ओ हम ये अपॉर्चुनिटी हम इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे मार्केट कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, गवर्नमेंट को एनालाइज करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग दिस। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, बाय एनालाइजिंग दी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड इसको पूरे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट मैट्रिक्स को हम SWOT मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को कैसे एनालाइज करना है और कैसे आइडिया जनरेट करना है और उसके प्रोजेक्ट प्लान करना है, उसका एक सिंपल सा डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को देखना है, स्पॉट करना है, जो एंटरप्रेन्योर करता है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, देखता है कि वो एनालाइज करता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कैसे एनालाइज करता है, बाय स्कैनिंग दी बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, बाय स्कैनिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो चूज़ करता है, फिर
फिर वो आइडिया जनरेट करता है, या आइडिया इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और इन फॉर्म ऑफ सर्विस और इन फॉर्म ऑफ आइडिया ओनली, मतलब आइडिया क्या क्या आप इस सॉल्यूशन कि मैं इसका ये सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, या ये आइडिया है मेरा, ठीक है। और अकॉर्डिंग जब आइडिया जनरेट हो गया, इसमें हम दो चीज़ देखता है वो, फर्स्ट कि मार्केट में उसके आइडिया का, उसके प्रोडक्ट का, उसके सर्विस का जो वो जनरेट करने वाला है या जो वो लॉन्च करने वाला है, उसका क्या डिमांड है, कस्टमर को वो कैसे हेल्पफुल होगा। सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, जो ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसको रिटर्न कितना आएगा, वो दो चीज़ को एनालाइज करता है। एंड देन लास्ट वो क्या करता है, प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देता है, जो भी उसका आइडिया है उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से अनदर स्टेप आ जाएगा। तो फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस होता है, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं बाय हेल्प ऑफ स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन वी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस विच हेल्प द कस्टमर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट वी नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट द बिजनेस और स्टार्ट द बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को डिवाइडेड किया गया है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो आप उसके अंदर सप्लायर आता है, कस्टमर आता है, इंटरमीडिएटरीज आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कॉम्पिटिटर एंड जनरल पब्लिक। सो जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, दैट व्हाट टर्म्स व्हाट थिंग्स कम अंडर द माइक्रो, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इकोलॉजिकल एंड लीगल। ये आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है बिजनेस को, एंड दिस माइक्रो एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस, ठीक है। फॉर एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी और फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो एंटरप्रेन्योर है दे हैव टू एनालाइज बोथ माइक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, बोथ पेस्टल एनवायरनमेंट दैट इज द पॉलिटिकल, जहाँ पे क्या एनालाइज करता है, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड टैक्सेशन, टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, सो दिस थिंग्स कम अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एनालिसिस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिस्पोजल इनकम, इनकम एनर्जी अवेबिलिटी, कॉस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस ऑल कम अंडर द इकोनॉमिक। सो एंटरप्रेन्योर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एंटरप्रेन्योर आएगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रो होती है। क्यों ग्रो होती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है क्या सॉल्यूशन दे रहा है मार्केट में, और उससे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। वो हमेशा कुछ इम्प्रूव प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, ये इनकम इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस आर फॉर एंटरप्रेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल फैक्टर क्या है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, आपका ये स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस आर ऑल कम अंडर द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सोशल मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ स्टाइल चेंज, एटीट्यूड टू वर्क, एडुकेशन लेवल, सो दिस ऑल कम अंडर इन सोशल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जहाँ पे हम रिसर्च ऑन, इट इज़ फोकस ऑन रिसर्च, न्यू डिस्कवरीज, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट, स्पीडी ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी तो ये टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ही बूम कर रहा है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली इम्पैक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। इकोलॉजिकल, इट कंसीडर द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस, ओके। इसमें मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज कैसे करें, इन्वायरमेंटल जो वेस्ट निकलता है उसको भी मैनेज करना इज ऑल्सो कंसर्न, ओके।
Then legal factor again, taxation, employment law, monopoly and ये environmental protection law. So जो भी law आता है वो legal में आ जाता है. So this in short it is called the PESTEL, P for political, E for economic, S for social, T for technology, E for ecological and L for legal. Okay, hope ये सब clear हो रहा होगा आपका. अगर नहीं हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर से ट्राई करूँगी. ठीक है, ये सेम चीज़ है आपका. पॉलिटिकल में क्या आता है, इकोनॉमिक में क्या आता है, सोशल में क्या आता है, टेक्नोलॉजी में क्या आता है, इकोलॉजी एंड लीगल में क्या आता है. फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, अब जो एंटरप्रेन्योर है, हाउ दे विल आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम. ठीक है, जो हम लोग कस्टम आपको सॉल्यूशन देना है. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी कैसे एनालाइज करता है, वह एनालाइजिंग दी मार्केट प्रॉब्लम, मार्केट जो उनका कस्टमर है उनके प्रॉब्लम को एनालाइज करता है एंड वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो हाउ दे एनालाइज दी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन, समथिंग दैट सेट अप दी कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्स यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन. ठीक है, प्रॉब्लम है जो कन्फ्यूज़न देता है, कॉन्फ्लिक्ट देता है, और एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करके निकालना. मैन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई सच रोड ब्लॉक और सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड द आइडिया, बिजनेस आइडिया. ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इट शुड बी क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम. एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉब्लम क्लियरली समझना होगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, और तो आप क्या करोगे, अपने जो आपका मार्केट है उसमें कस्टमर को आपको अच्छे से समझना होगा कि कस्टमर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तभी आप प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हो या प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम. सेकेंड, टू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप फेसिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, कि किस कौन से जो हमारा कस्टमर है उसमें से कौन सा टारगेट कस्टमर है, कौन सा टारगेट ग्रुप है जो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है. बच्चों को हो रहा है, अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल से टारगेट करते हैं कि बच्चों का के लिए है या यंग एज के लिए है या ओल्ड एज के लिए है, आपका प्रोडक्ट किस ग्रुप के लिए है. ठीक है, एंड थर्ड वन इज दी फाइंड दी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दी सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम, एंड मार्केट कितने एक्सेप्ट करेगा उस सॉल्यूशन को जो एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर रहा है कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो यूज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का यूज क्या है, टू ब्रिंग आउट दी न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, इन्फॉर्म जो प्रॉब्लम है कस्टमर का वो एंटरप्रेन्योर उसको प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन उसको दे रहा है. तो दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ द मार्केट. ओके, बी क्रिएटिव, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम. तो समझ में आ रहा है कि कैसे अपॉर्चुनिटी एनालाइज कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंटरप्रेन्योर को उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, क्रिएटिव कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है. वो प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट में, देन दे प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया, और वो जो प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया है सॉल्यूशन फॉर्म में वो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. ठीक है, नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है. सो दिस ऑल टर्म्स closely associated with entrepreneur. So that's why it is very important topic for student to understand the entrepreneurship. कि क्या है entrepreneur, क्या है entrepreneurship, क्या है आप इस पर, क्योंकि आपको आगे जाके आप entrepreneur भी बन सकते हो. तो आपको अभी से ये skill develop करना है. Okay? So यहाँ पर मैं आपको basic, मेरा मकसद है कि मैं आपको entrepreneurship skill develop करवाऊँ. ठीक है, सी हियर आर दी सम एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है. रेडी टू ईट फ्रूट, ये क्यों आया, ये अभी क्यों इसका डिमांड क्यों बढ़ गया रेडी टू ईट फूड के लिए, बिकॉज अभी कस्टमर जो है उनका जो मार्केट है, जो कस्टमर है वो बहुत बिजी रहते हैं, उनको रेडी टू फूड चाहिए, 5-10 मिनट्स खाना बनाने में टाइम चाहिए. तो उस उनके नीड को आइडेंटिफाई किया गया, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया कि टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम नहीं मिल रहा है खाना कुकिंग करने का, या आता नहीं है,
क्योंकि बोथ आर वर्किंग, अभी तो हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग होते हैं, तो क्या इसमें क्या सॉल्यूशन क्या दें. तो उन्होंने ये सारा रेडी टू ईट फूड लॉन्च किया. तो ये भी क्या है, आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो मार्केट में सॉल्यूशन दे रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज द अनदर एग्जाम अगेन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर और हाउ वी एनालाइज दी प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड दी सॉल्यूशन इन मार्केट. ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमें क्या करना है, आइडिया जनरेट करना है. दिस ऑल टर्म्स कम अंडर दी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ओनली. ठीक है, अभी आप जितना भी देख रहे हो, ये पहला जो आपने देखा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज दी ऑल्सो दी पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस. तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूज मत होना, वी आर स्टिल डूइंग दी फर्स्ट यूनिट. देन आइडिया जनरेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग विच कम इन द एंटरप्रेन्योर सॉरी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस. हियर इट इज वॉट इट इज सेइंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द आइडिया विच आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट एंड विजुअल. ठीक है, आइडिया जनरेशन क्या है, एक आपका कम्युनिकेशन है, क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन दे रहे हैं. ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है या एक क्लियर फॉर्म में होता है. ठीक है, थ्रू आइडिया इनोवेटिंग द कॉन्सेप्ट एंड डेवलपिंग द प्रोसेस एंड ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट इन रियलिटी. सो किसी भी प्रोडक्ट के सॉल्यूशन को लाने से पहले हम एक आइडिया देते हैं कि हम ये, अगर हम ये प्रॉब्लम है तो इसका हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द आइडिया जनरेशन. बिजनेस आइडिया आर ऑल अराउंड यू. Some business idea come from the careful analysis of the market trend and consumer need, and other come from the serendipity. If you are interested in starting a business but don't know what product or service you might sell, explore the way of getting the business idea with the help you choose. ठीक है, फिर आपका आइडिया फील्ड क्या है, जहाँ से आपको आइडिया जनरेशन मिलता है, तो वो क्या है, आइडिया फील्ड क्या है, मतलब किस फील्ड में आप आइडिया जनरेट कर रहे हो. बाय फॉलोइंग डिफरेंट वे ऑफ जनरेटिंग द आइडिया एंड एंटरप्रेन्योर कलेक्ट द नंबर ऑफ आइडिया, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया कैन स्ट्रीमलाइन बाय डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर द डिफरेंट आइडिया फील्ड. दिस विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर इन लार्जिंग द स्कोप ऑफ थिंकिंग. ठीक है, फॉर जनरेटिंग द आइडिया एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन सीकर कहते हैं, वो बहुत सारा आइडिया एनालाइज करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ थिंकिंग. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचे. ठीक है, आइडिया फील्ड कैन बी डिस्क्राइब एज कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ द रिफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द आइडिया. ठीक है, नेक्स्ट यस सी, सो वेरियस सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड क्या है, वेरियस सोर्स क्या है जहाँ से आइडिया उनको मिलता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट इज द नेचुरल रिसोर्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, ट्रेडिंग रिलेटेड, क्रिएटिव एफर्ट, सर्विस रिलेटेड एंड मार्केट डिमांड ड्राइवन. सो ये सारा एरिया है, ये सारा फील्ड है जहाँ से उनको आइडिया जनरेट का ऑप्शन मिलता है. नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, आइडिया कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्स, अ प्रोडक्ट और सर्विस मे बी डिजाइन फ्रॉम द फॉरेस्ट रिसोर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री, विंड, सन एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपका सोलर सिस्टम आया, एंटरप्रेन्योर ने सोलर सिस्टम लेके आया, तो ये रिसोर्स बेस्ड आइडिया जनरेट हुआ. ठीक है, विंड से एनर्जी अगर आप निकाल रहे हो, विंड यूज करके, दैट इज अगेन रिसोर्स बेस्ड आइडिया जनरेशन. सो रिसोर्स से जो आइडिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड, जहाँ से आप आइडिया आपको मिल रहा है. ठीक है, सेकेंड आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, अ ग्रेट बिजनेस आइडिया कंबाइन द स्किल विथ इमेजिनेशन एंड मार्केट डिमांड. ठीक है, जो आपका ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस है उसको इम्प्रूव करके देना. और बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आइडिया कम फ्रॉम everyday problem that someone solve, and successful business find a need to fill it by providing a service or product
entrepreneur who look at way to make an existing product or service better than successful as those who create or invent the product. ठीक है, तो जो भी product को create और invent किया उसमें improvement लाना, उसमें कुछ improve करके देना. तो अगर मान लो कि आप ये कुछ family pack में कुछ आता है, जैसे आपका ये मैगी था या नूडल्स हो गया या ठंडा हो गया, अब उसके स्मॉल पैक भी मिलता है, तो दैट इज़ द कस्टमर डिमांड. ये भी आपका आइडिया है. ठीक है, आप टेस्ट कुछ चेंज कर रहे हो, जीरो डाइट लेके आ रहे हो ड्रिंक कोक में, तो दिस इज़ आल्सो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम कुछ चेंज करके कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. मार्केट ड्राइविन और डिमांड ड्राइविन आइडिया, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, अगर हम कुछ आइडिया कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट ड्रिविन और डिमांड ड्रिविन आइडिया. ठीक है, ये कैसे आता है, दिस आइडिया जनरेट बाय द मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च से ये आइडिया जनरेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, ये स्लो हो जा रहा है, 1 मिनट. ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया, ट्रेडिंग रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो आइडिया जनरेट होता है उसको ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया कहते हैं. ठीक है, सर्विस सेक्टर आइडिया, सर्विस रिलेटेड आइडिया, फास्ट फूड हो गया या फिर मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, फ्रेंचाइजी, ये सब आपका सर्विस रिलेटेड आइडिया है. ठीक है, तो दिस आर द फील्ड, आइडिया फील्ड इसको ही कहते हैं जहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में जितना भी आइडिया आपको मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, वो सर्विस रिलेटेड आइडिया है. अब ये सब देख सकते हो. ठीक है, फिर हमारा अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, स्टार्टिंग में स्पॉटिंग ऑफ आइडिया इनिशियल फेज होता है, वो रेंडमली हम लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर रेंडमली कोई आइडिया को स्पॉट करता है. देन डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया आफ्टर स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. नाउ आइडिया इज मोर पर्पसफुल एक्टिविटी, अब जो है वो आइडिया उस पर काम करना है, वो मोर पर्पसफुल हो गया है. ठीक है, आप आइडिया अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर लिए, आइडिया स्पॉट कर लिए, उस आइडिया को एनालाइज कर लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू, डेवलप्ड कर लिया आइडिया को, अब उसको आपको एक्शन में लाना है. ठीक है, अब जो भी आप सॉल्यूशन सोचे हो देने के लिए, उसको आपको उस पर काम करना है, उसको एक्शन में लाना है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिसोर्स चाहिए, उस सबको कंबाइन करता है एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड ये रहा आपका कन्वर्सन ऑफ आइडिया इंटू अपॉर्चुनिटी. इसमें क्या करता है, आइडिया, स्किल, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटेंसी, रिसोर्स, ये सबको कंबाइन करके वो प्रोसेस करता है टू इम्प्लीमेंट दी आइडिया. ठीक है, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो फर्स्ट यूनिट है, ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है. सेकेंड यूनिट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपने मैनेजमेंट ई लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.